मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना को लेकर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब अगली बैठक में नाइट कर्फ्यू पर फैसला किया जाएगा। कमलनाथ के घर चलो घर घर चलो अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घर बैठाओ अभियान है। बता दें कि मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दों पर बयान दिया है। हमने लगभग सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और जल्दी जब भी बैठक होगी नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी हम विचार करेंगे। कमलनाथ जी का दरअसल अभियान घर चलो अभियान नहीं, घर बैठाओ अभियान है। और बैठक में भी आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेता कल बैठक से गायब रहे। उनके कल भोपाल की बैठक में माननीय अरुण यादव जी, माननीय राहुल भैया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कोई बड़ा नेता नहीं था, अब सब बैठ गए हैं। और इसलिए इनकी अभियान जितने भी है ट्विटर और पेपर तक ही है, फील्ड में कोई अभियान नहीं दिखता था। अब कमलनाथ जी को समझना चाहिए, उन्होंने चटका दी पूरी कांग्रेस। जब से वो अध्यक्ष बने आप देख लो विखंडित हो गई, खंड खंड की हो गई है कांग्रेस। 30 तो विधायक ही चले गए। तो अब दिग्विजय सिंह के भाव को समझो, क्यों चटका के तोड़ रहे हैं, लगातार चटकाए जा रहे हैं। जब बैठक होती है तब एक हाथ चटक जाता है, जब बोलना था तब कुछ बोले नहीं। और उस समय भी जो आदरणीय सोनिया जी कहती थी वो वही करते थे, ये पूरे देश ने देखा है। अभी भी जो स्क्रिप्ट लिख के उनको दे दी वो उनने पढ़ दिए, वही वो बोले हैं। पंजाब में कांग्रेस की हार जो दिख रही है कांग्रेस को, अब मनमोहन सिंह को आगे किया है। मैं समझता हूं कि ये मनमोहन सिंह का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है हार को लेकर। सच में इंदौर के लोग, इंदौर की जनता, इंदौर के हमारे प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसमें इंदौर ने पंचमारा, पांचवी बार भी इंदौर हमारा नंबर वन आया। और ये भी जो नया कीर्तिमान 550 मैट्रिक टन क्षमता का सीएनजी प्लांट की सौगात जो दी जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छाओं के अनुरूप, और माननीय प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके लिए जो इंदौर ने प्रोजेक्ट स्वरूप इसे लिया है, मैं सभी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज 1000 से कम हो गए कोरोना के पेशेंट, 888 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में कोरोना के आए, जबकि ठीक होकर 2715 लोग अपने अपने घरों की ओर गए। 9706 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे, ये भी 10000 से नीचे आ गए। लेकिन सैंपल हमने कल भी 61170 सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में लिए। संक्रमण दर हमारी 1.45 संपूर्ण प्रदेश की रही है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.6 मध्य प्रदेश की हो गई। हमारे पुलिस के जवानों के एक्टिव केस भी कुल अब 212 बचे हैं, और पिछले 24 घंटे में 7 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पुलिस के आए। कल जो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है वो 78,979 वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश के अंदर हुआ है।